नमस्कार, मैं हूँ राहुल ठाकुर। हम दिल्ली में वोटिंग चल रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर समझ रहे हैं कि जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में और ये जो क्षेत्र है ये आता है उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन ये आंटी वोट डाल कर आई हैं, इशारा कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं बताना, लेकिन बस ये बता दीजिए क्या सोचकर वोट डाल दिया। पार्टी का नाम, प्रत्याशी का नाम, नेता का नाम कतई नहीं। हाँ तो जो जीतेगा वो आएगा आके। दिमाग में क्या चल रहा जब वोट डाला भाई? दिमाग में क्या चला, हम ये चाहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छा ही होना चाहिए आगे भी बस। और कुछ क्या कुछ आप जो बताते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, क्या मुद्दा सोच के? भैया देखो, महंगाई तो आप भी जानते हो कि महंगाई हो रही है, आपको भी सबको पता, हमें भी पता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा बताओ आप? इतनी महंगाई हो रही है, वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा? हम तो गरीब है ना, हमारे पास क्या है, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो। तो क्या वोट इसलिए डाला है महंगाई रुक जाए? महंगाई भी रुकनी चाहिए और गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, काम धाम मिलना चाहिए सबको। नहीं क्या वो कुछ नहीं बताएंगे, कौन बोलेगा? वोट डाल दिया तो डाल के आइए जल्दी, उसी में लेट मत कीजिए, भीड़ ज़्यादा है इसीलिए तो हम समझने आए यहाँ पर। वोट डाल दिया आप लोगों ने? अच्छा, शर्मा आगे निकल जा रहे हैं, चलिए इन लोगों को रोकते हैं, आगे रुक जाएं। वोट डाल दिया आप लोगों ने? क्या चल रहा है? देखिए कोई भी पार्टी और नेता का नाम तो बताना मत भैया, बस ये बताइए ना दिमाग में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा जब बढ़िया चल रहा है। कौन सा मुद्दा? अब मुद्दा तो बढ़िया ही चल रहा है, मुद्दा तो है दोनों लंकू चल रही है गाड़ी, दोनों लंकू टक्कर है, राष्ट्रीय बेरोजगारी, रोजगार मिलना चाहिए ना लोग बाबू, रोजगार कहाँ मिलता है? नहीं है तो उस मुद्दे पर डाला हमने। तो क्या चाहते हैं, बदलाव? हाँ बदलाव होना चाहिए। हाँ जी बदलाव? नहीं नहीं, नो बदलाव। अम्मा जी बताइए आप, नाम? नाम रतनी देवी। क्या चल रहा था दिमाग में जब वोट दबाया अंदर जाकर? वोट दबाया जब भाई, उसका विकास होना चाहिए। नहीं हुआ अभी तक? अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, हो जाएगा तो जब और ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। हम तो हर साल दे रहे हैं वोट। और क्या मुद्दा था? मुद्दा ये है सड़क अच्छी होनी चाहिए, नाली अच्छे होने चाहिए। पिछले 10 साल में? 10 साल में हुआ तो है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना था। थोड़ा साइड में आ जाइए आप भैया, आप भी बता दीजिए। चलिए अमरनाथ सागर जी। क्या सोच रहे थे जब बटन दबा रहे थे? सोच रहे थे विकास होगा, विकास हो रहा है, कुछ हुआ है, कुछ रह गया है, अधूरा रह गया अभी। अधूरा रह गया? हाँ। तो उम्मीद है पूरा हो जाएगा या? हो जाएगा, उन्हीं से उम्मीद है। नहीं देखो, अब जो सोचा है अगर वो हो गया तो पूरा हो जाएगा। तो क्या सोचा है, जो गाड़ी चल रही है या गाड़ी दूसरी दिशा? अब ये तो समय आने पर बताएंगे। हाँ जी, वोट डाला है आपने? ये आपने बहुत अच्छा किया, रुक जाओ इनका दिखाओ भाई वोट डाल के आई है। लेकिन ये बताइए, बिना नेता का बिना पार्टी का नाम लिए क्या सोच रही थी जब वोट डाला था? विकास सोच रहे थे हम, और हमें किसी से डर नहीं है, हम देखा है कमल को बीजेपी। अरे आप नाम ही तो नहीं बताना था, इन्होंने नाम बता के खेल खराब कर दिया। अच्छा आप बताइए क्या सोचकर वोट डाल के आए हैं? विकास को सोच के हमें तो बस फ्री मिल रहा है इसलिए वोट डाल के। क्या फ्री मिल रहा है? बस फ्री मिल रहा है तो हम आप उन्हीं की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। आप सर? हाँ मैं विजयपाल शर्मा। विजयपाल शर्मा जी आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, भाई साहब आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या चल रहा था दिमाग में जब वोट डाला? मेरे दिमाग में भारत के विकास की बात चलती है। हो गया या अधूरा? मैं वोट डालिया हूँ। डाला है विकास पर? जी। आप? हाँ वोट डालिए। किस मुद्दे पर? वही बेरोजगारी मुद्दा है और जो समस्याएं हैं पब्लिक की वो कुछ भी नहीं है, 10 साल से होली 10 साल से कुछ भी नहीं करा है। ऐसे में कन्हैया नया लड़का है और संविधान के अनुरूप नाम मत लीजिए किसी का। हाँ, वो सही कह रहा है, फिर भी ये है जो विकास करेगा ये तो कह रहे हैं आंटी, रोजगार की बात करें, बेरोजगारी और रोजगार के हिसाब से वोट डाल के आया हूं। आपने किस मुद्दे पे वोट डाला? हमने तो जी उन्होंने नाम नहीं किसी का, अच्छा काम किया हम तो उसके नाम पे डाल गए जी। तो अब तक अच्छा काम हुआ है या नहीं? हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है जी। अच्छा ही हो रहा है वो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, जिसके जो सबकी मर्जी, सबकी मर्जी है, लोकतंत्र है। आपसे हमारी बात हो गई, आपसे हो गई, ये रह गई है शायद। अच्छा और कौन है बोल रहे भैया, वोट डाल के आ रहे हैं क्या?
कौन डाल के आ रहा है वोट? आप आ जाइए, नाम बताइए सबसे पहले। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जब बटन दबाया था तो क्या बदलाव चाहते हैं दिमाग में, या क्या सोचा था, क्या मुद्दा था? जिसकी देनी थी दे दी। क्या सोचकर ये तो बताते जाइए, जिसको देनी थी दे तो दी। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हम विकास हो रहा है इसलिए डाला है, बहुत से लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा है इसलिए डाला है, बहुत से लोग ये कह रहे थे आपके पीछे खड़े हैं बेरोजगारी है इसलिए डाला है, आपने क्या सोच कर डाला है? भाई हमने तो जो भाई अपने मिलने चलने वाले में कह रहे भाई यहाँ डाल दो, वहीं डाल दो। कौन, अंदर कोई कह रहा था यहाँ डाल दो? नहीं नहीं, अपने जो अच्छा आपका युवा है आप। हाँ सर, वोट तो डाला नहीं है अभी सर, अब डालने जाएंगे। हाँ, जब डाल के आएंगे तब मिल लेंगे आपसे। अरे हमें आपसे नया पार्टी पूछनी नहीं होती भैया, बस ये चाहते हैं युवा क्या सोच रहा है। युवा अपने रोजगार के बारे में सोच रहा है, रोजगार मिलना चाहिए, जो रोजगार देगा उसे वोट देंगे। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला, ट्राली घूम रहे हैं, सारे पेपर लीक करवा देते। यूपी पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया, इतना अच्छा पेपर गया था, अब क्या करें, इतने में उम्र एक्सपायर हो जाती है। उम्र निकल जाती है, निकल जाती है। अब अभी हुआ था यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल कर दिया, क्या करा है, नो पेपर लीक हो गया, दोबारा हो गया, इतनी उम्र निकल गई, जब पढ़ते हैं फिर होता नहीं है कुछ भी, क्या करें। रोजगार और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी मुद्दा रोजगार बेरोजगारी। 2014 से लेकर 24 तक हर साल 100,000 वैकेंसी निकलती है SSC की, अब निकलती है 25,000 तीन साल में। मामला जम नहीं रहा? तो कैसे जमा है? नहीं, आपकी नज़रों में मामला सरकार का भी जम नहीं रहा सर? ये ऐसे रोजगार मिलेगा तो वोट सही देंगे, 4 तारीख को पता चल जाएगा। एक तरफा है, एक तरफा है, एक तरफा है सारा वोट। नाम बताइए। पंकज कुमार। पंकज कुमार, पंकज कुमार जी ने बता दिया है। थैंक यू, सुना आप? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इनकी है समस्या तो हमारी कसम, तो बुजुर्ग गए हमें तो युवाओं का दर्द दर्द है, उनका दर्द है भाई उनके सामने। भाई साहब इधर आ जाइए थोड़ा सा, दर्द कोई भी है चाहे इससे जातिवाद का कोई चक्कर नहीं है। इनसे पूछना है। नाम सबसे पहले बताइए। नाम मेरा सरजीत सिंह है और गांव जौहरीपुर से हूँ। गांव जौहरीपुर? हाँ जी। क्षेत्र उत्तर पूर्वी लोकसभा? हाँ, क्षेत्र उत्तर पूर्वी लोकसभा। बिना पार्टी का, बिना नेता का नाम बताए, क्या मुद्दा सोचकर वोट डाले हैं? देखिए, हमने ये सोच के डाला है कि देखिए अभी तक विकास तो किसी ने किया नहीं, विकास का नाम नाम तो लिया लेकिन विकास नहीं किया, हमने इसलिए वोट डाली है। कम से कम रोजगार निकलेंगे लोगों के लिए, रोजगार निकलेंगे तो देश चलेगा। एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देती जो अब तक ऊपर सरकार बैठी हुई है, तो इसलिए हमने वोट किया है। मतलब आपने बता दिया कि अब एजुकेशन और इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल बाद वोट पड़ता, ताऊ कहाँ जा रहे हैं आप भी आ जाइए इधर, बोलिए क्या सोचकर वोट दिए? ये देश का संविधान बचाने के लिए सोच करके वोट डाला गया है। खतरे में है जी संविधान? तो बिल्कुल खतरे में है, जब तक मोदी रहेगा तब तक खतरे में रहेगा। और क्या क्या खतरे में है? और क्या क्या खतरे में लगता है? सब कुछ खतरे में लगता है, हमारे नौजवान खतरे में लगते हैं, हमारे जनता सारा खतरे में लगता है, हर चीज़ खतरे में है। क्या नहीं खतरे में? आपने पढ़ लिख करके इतना बड़ा हो गए और पढ़ लिख करके जब एक नौकरी पेशा का जुगाड़ नहीं बैठेगा तो वो खतरे में ही तो है। खतरे तो है। इधर आ जाइए आप लोग भी, इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर आ जाइए थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, तो इससे जब बड़ा खतरा और क्या होगा? देश का युवा बेरोजगार है, इससे बड़ा खतरा क्या होगा? इससे बड़ा खतरा क्या? सबसे बड़ा खतरा तो यही है ना, देश का युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। 85% जो लोग आगे ग्रेजुएशन कर निकल रहे हैं, आगे बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, संविधान और क्या मुद्दे? और क्या कहूँ, और तो सारा देश को बेच रहा है, सरकारी जो नौकरी है सारा बेच रहा है, जो मतलब हवाई प्राइवेट सेक्टर में सबको दे रहा है, हवाई जहाज बेका, हवाई जहाज बेका, रेलवे की और स्टेशन बेके, और क्या बचा है? अरे लाल किला को गिरवी रख दिया। सेल का सरिया नॉर्मल दुकानों पे कहीं नहीं मिल सकता था, ये गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता था। आज के समय में किसी भी दुकान पे जाकर सेल का सरिया खरीद सकते हो आप, वो सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी थी उसको बेच दिया, अब वो प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर सकते हैं। नई सरकार कैसी हो? नई सरकार अच्छी हो, जनता जिसमें खुशहाल हो, जनता को जिस सुविधा हारी सब चीज़ की सुविधा मिले, रोजगार मिले, महंगाई दूर हो, यही सरकार का यही मुद्दा है। नाम? नाम कन्हैया कुमार। आपका नाम? मेरा नाम दयानंद। चलिए अब जाइए आप, कुछ और बता दिए। कन्हैया कुमार हो सकता है? अरे आप नाम मत बताइए किसी का, वोट डाल दिए?
नाम क्या है? राम कुमार। राम कुमार सक्सेना। राम जी। राम कुमार। राम कुमार जी, क्या लग रहा है, क्या सोचकर वोट डाले इस बार, बिना पार्टी का, बिना प्रत्याशी का, बिना नेता का, नाम बताएं। अच्छा विकास हो। अच्छा विकास हो। अब तक नहीं हुआ क्या? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है, इसी को बरकरार रखना चाहते हैं। देखो जो 4 जून को रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा, वो तो वक्त आने पता चलेगा, लेकिन इनकी गाड़ी विकास के साथ है। अच्छा, अब और लोगों से पूछ लें नाम। मेरा नाम विकास है। दिखाइए वोट दिया। वोट दिया। युवा हैं, क्या सोच रहा है युवा, बिना पार्टी का, बिना नेता का, बिना प्रत्याशी के नाम? देखिए, 10 साल में जो हमने देखा है अब तक का विकास, वो हमें बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना शिक्षा पे बात हुई, ना कभी स्वास्थ्य पे बात हुई, ना आप देख सकते हो ना कहीं इतने अच्छे सड़कें बनी, सारी टूटी पड़ी हैं इधर उधर, मतलब महंगाई इतनी हो गई है कि हमें गुजारा करने में दिक्कत आ रही है, ना कहीं रोजगार है। तो अब हमने वोट दिया, बदलाव को दिया, अगर इस बार बदलाव हुआ तो हो सकता है और अच्छा बदलाव हो आगे। सही कह रहा है, हमारे हिसाब से सब सही हो रहा, गलत है जो भी कुछ कहा। यहाँ तो सड़कें अगर टूटी हुई है तो यहाँ के विधायक की वजह से टूटी हुई है, विधायक ने क्यों नहीं बनाई सड़कें? 4 साल से 10 साल से आम आदमी सरकार यहाँ पर दिल्ली में है, अगर कोई भी योजना पास होती है तो हमें पार्टी का नाम ही नहीं लेना हमें। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, कोई भी योजना अगर आ रही है तो वो क्यों रोक ले? आयुष्मान योजना है, हमारा कोई भी इलाज 5 लाख तक का फ्री हो सकता है, लेकिन नहीं लागू कर रहा है। हमारे यहाँ की सड़कें हैं, सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? और यहाँ पर सफाई व्यवस्था देख लीजिए। वो कह रहे हैं रोजगार मिलेगा तभी तो आबाद होंगे। रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार की भी बात हो रही है, वो तो कोई भूखा ना मर रहा। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे नहीं, 100 मीटर से बाहर करिए, 100 मीटर इससे दूर है। चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो दायरा है यहाँ पर पोलिंग बूथ का 100 मीटर का होता है, उससे थोड़ा बाहर निकल कर लोगों से बात करेंगे। यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लगातार वोटर्स का उत्साह आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के पीछे, कैमरे के नज़र में, कि किस तरह से यहाँ भीड़ है। सुबह से ही लोग मतदान के लिए आए हुए हैं, और जैसे जैसे मतदाता अपने मत का प्रयोग करके, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर निकल रहे हैं, हमारी कोशिश है उनसे उनके मुद्दे समझने की, कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर क्या सोच कर, क्या समझ कर वोट किया। तो कुछ और लोग जैसे ही आएंगे वैसे ही शुक्रिया। वीडियो डेली देखते हैं? या वीडियो डेली देखता हूँ, आप अलग अलग ब्रजपुरी हो गया और आप सिलमपुर चले गए, कई अलग अलग एरिया में लोगों ने दिखाया, अब की बार गठबंधन। हमारा काम ही यही है। चलिए आंटी, वोट डाल दिया? अच्छा, आप डाल कर आ जाइए जल्दी से। आपने डाल दिया वोट? इधर आइए। नाम? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, हाँ जी, बिना पार्टी का, बिना किसी कैंडिडेट का, बिना किसी नेता का नाम बताए, ये बताइए क्या सोचकर वोट डाला? हम तो जी ये सोच के आए हैं, एक तो महंगाई कम हो, ठीक है, दूसरा रोजगार मिले, और जो के छुटपुट की समस्याएं क्षेत्र की जैसे सड़क टूटी हुई है, गंदगी है, ये साफ सफाई हो, इसे समझ के अब तक नहीं हुई, हो रही है, कम हो रही है, जो उम्मीद थी वो नहीं हो रही है। आंटी आप इधर आ जाइए, आंटी दिख ही नहीं पा रही हैं पीछे, आप लोगों ने पीछे दबा दिया है। आंटी नाम? बबीता। बबीता, आपने क्या दिमाग में क्या मुद्दा था जिसे सोचकर वोट किया? डाल दिया। पार्टी का नाम नहीं बताना है, बस क्या सोचकर डाला है, कौन सा मुद्दा, क्या चाहती हैं? जीत जाए। अरे जीत तो जाए, कोई ना कोई जीतेगा ही, लेकिन आपसे कैसे पूछें? जैसे इन्होंने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई है, क्षेत्र में समस्या है, तो भाई हमने ये सोचकर वोट डाला है, आपने क्या सोचकर डाला है? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, क्या? हम भी ऐसे समझते हैं कि बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, हमारी लड़की की नौकरी नहीं लग रही, इनका भी वोट बेरोजगारी पर गया है। आपका नाम? कमल सिंह बौद्ध। सबको सुन रहे होंगे, ताऊ जी आ जाइए आप भी इधर भी, आपसे भी पूछ लेंगे, वोट डाल दिया आपने? दिखाइए उंगली। दो टाइम आ जाते बढ़िया। नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो काम है, हम धूप में घूमते रहते हैं। आपने क्या दिमाग में चल रहा था जब ईवीएम पर टक से वोट बजाया? मेरा बेरोजगारी है, सबसे मेन मुद्दा यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पहले से बढ़ गई है, पहले से बढ़ी हुई है, हर चीज़ बढ़ी हुई है, अत्याचार भी बढ़ रहे हैं गरीबों पर, अत्याचार भी बढ़ रहे हैं इस टाइम तो, अत्याचार, बिल्कुल अत्याचार बढ़ रहे हैं। और क्या क्या समस्या है? सारी समस्या चल रही है देश में, अच्छा ही बताओ कौन सी है? कुछ नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं है भैया, जिसके अच्छे दिन आए उनके आए, पब्लिक के नहीं आए। आपके अच्छे दिन आए? खूब आ रहे,
वोट डाला है? नाराज बहुत है। नहीं बढ़िया आ रहे, बढ़िया दिन आ रहे। और क्या चीज, जब महंगाई की बात इन्होंने की, एक महंगाई बढ़ी, उसके साथ साथ हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, मकान की भी कॉस्ट बढ़ रही है, तनख्वाह भी बढ़ी लोगों की। ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। कमाई भी बढ़ी है, नहीं मकान बेच के खा रहे हैं। एक एक करके अंकल, एक प्राइवेट जॉब वाले को तनख्वाह नहीं बढ़ी, प्राइवेट जॉब वाले की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, प्राइवेट वाले तो नीचे दबते जा रहे, सरकारी वाले भी बढ़ी है, प्राइवेट वाले कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी इतनी है कि लोग बहुत परेशान है। अच्छा इसीलिए आगे बोलो समझाओ क्या ऐसा होना है, पर इसके लिए कोई नहीं बोला। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा है, सबसे ज्यादा वही, उसके लिए आप बोले जो बोलना। इसी 10 साल में, 10 साल में ये करीब सब 14 से लागू हो गया जाते हैं, 2014 से ज्यादा हो गया, इसको आप बोलिएगा आगे के लिए बढ़ाइए, ऐसा हो रहा हमारे देश के अंदर। आगे के लिए बढ़ाएं तभी हम आप सबका मिजाज रुझान ये होगा जी, ये गलत हो रहा है हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा। तो आप जो पटरी पे जा रही है सीधी गाड़ी, अब दूसरी तरफ पहुंच चुकी है, घुमा दिया आपने स्टीयरिंग। चलिए आपने परिवर्तन के लिए जी, परिवर्तन हाँ जी। क्यों 70 साल का 10 साल में बेच दिया सब भी क्या, जी, सब भी क्या 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 सब कुछ बेच दिया, कुछ भी बेरोजगारी रोकनी नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात, आपका इशारा समझ गया। हाँ इशारा खुले हम इशारा। क्या उम्मीद है नई सरकार से? उम्मीद है, उम्मीद बच्चों को नौकरी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे शिक्षा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, प्राइवेट आदमी हम क्या करें। बस शिक्षा से तो बच्चे अलग कर दिए गए हैं बिल्कुल, जो अब समय का रिजल्ट देखो ना बच्चों, बहुत बेकार रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा गलत आ रहे हैं। युवा हैं, बात से सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी भी गाड़ी स्टेयरिंग आप भी मोड़ कर आए हैं, सीधे छोड़ दिए हैं? हम तो बिल्कुल, हमारे तो आनंद विहार से चलते हैं सीधा हरिनगर तक लेके जाते हैं। मामला बिगड़ चुका। क्या करते हैं आप? छोटा मोटा अपना काम वाम है। काम धाम है छोटा मोटा जी। ये सब जो बातें कह रहे हैं, आपका मत इनसे अलग है या इनके जैसा ही है? नहीं नहीं है इनके जैसा ही। देखिए जब से 2014 से आज तक का रिकॉर्ड जो उठा के देखते हैं, युवा पीढ़ी पढ़ लिख के ही बेरोजगार है। अब उसका पढ़ने लिखने का फायदा क्या जब उसे रोजगार नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है। एक हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है ये पकौड़े बेको, ये प्रधानमंत्री ये शब्द है, उससे नीचे आ रहे तो कहेंगे ये भी मत बेको, कुछ और कर लो। तो पढ़ने लिखने का फायदा बताओ क्या है? इसका मतलब बच्चा स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, पकौड़े बेके बताइए। तो रोजगार तो रहा नहीं ना, प्राइवेट सेक्टर में इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे टाइमिंग तो बढ़ा दी काम की लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। जो पहले 8 घंटे काम होता था 12 घंटे काम का बोझ बढ़ा दिया, पैसा नहीं बढ़ा, पैसा नहीं बढ़ा। मैं अगर जाता हूँ प्राइवेट सेक्टर में तो कहते हैं 8 की जगह 12 घंटे करो काम, करते हो तो करो वरना घर जाओ, दूसरा पीछे खड़ा हुआ है। तो टाइमिंग बढ़ा दी ना काम की। सही कह रहे हैं, बदलाव है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव है मेन बात है। ये सांसद बदलना चाहिए, ये सांसद जो है, नाम मत लीजिए ऐसे किसी का, छोड़िए, बदलाव है बस, बदलाव। अरे नहीं हमें नाम से क्या परहेज है, ये सांसद खरपतवार की तरह है, जैसे फसल में खरपतवार नहीं होता ऐसे संसद भवन में जो फसल बैठती है ना वो 5 साल के लिए, उसमें एक खरपतवार घुसा हुआ है, ये निकाल नाम है। तो इसी मुद्दे पर वोट की चोट, इसी मुद्दे पर वोट की चोट गया ये। हम ऐसा है खरपतवार को नष्ट करते हैं दवाइयों से, ये वोट की दवाई हम लेकर आए आज। आप वोट की दवाई ले आए लेकिन इन्होंने वजह भी बताई, आपने वजह भी नहीं बताई है, आपने बोला खरपतवार है, बता दे वजह क्या, खरपतवार क्या होता है, फसल के विपरीत होता है। तो ये सांसद नेताओं के विपरीत है एकदम, नचना नाचने वाला गाने वाला क्या है ये, आतंकवादी तो छह जी, बेबी बेबी बियर पियो छम छमा छम, क्या मतलब है ये? ये देखो ये वाला शब्द यूज मत क्योंकि संवैधानिक भाषा है। नहीं ये आदमी ये आदमी संसद में वो साला बोलता देश के, भाई गाली नहीं, भाई गाली नहीं, प्लीज गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। संसद में क्या कर लेगा ये बताइए आप, संसद में कुछ नहीं कर सकता ये वही तो खरपतवार की उपाधि दे रहा हूँ मैं। वो कह रहा है भारत तेरे टुकड़े हो गए, 100 मीटर से अभी दायरे में हूँ, लगा रखी सब हाँ उसके दायरे में हूँ। अच्छा ठीक, 100 मीटर की लाइन लगा रखी बिल्कुल। अच्छा मैं आप लोगों से बात करूँ, भूमिहार है वो, भूमिहार ठीक है, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, आप हमारे साथ ही आ जाइए। चलिए तो यहाँ फिर से जो
पोलिंग बूथ का जो दायरा है 100 मीटर इन्होंने बताया, हम उसके दायरे में थे, तो जो पुलिस यहाँ पर पुलिसकर्मी पुलिस अफसर तैनात हैं उन्होंने कहा थोड़ा आगे जाकर बात की। बेरोजगार कोई ना, ये बेरोजगारी तो आते जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तभी से है, लेकिन आज वो चीज़ गायब हो गई है। लावारिस वस्तु कम हो सकती है, हमारा देश बहुत मजबूत आज आपने सुरक्षा के मद्देनजर वोट बहुत ज़्यादा चले इनका सुरक्षा लेवल पर भी हमारे देश में बहुत आगे आ गया। सबके अपने अपने मत हैं, आपने बता दिया आपने चले पानी की लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आज वीटो पावर के लिए भी भारत अप्लाई कर चुका है 2 बार, लेकिन उन लोग उन्होंने बताया कि हमें इंटरनेशनल से पहले भाई हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने कुछ खरपतवार करके कुछ उदाहरण दिया, वो हर आदमी का अपना अपना माइंड है, अपना अपना माइंड सेट है, कास्ट वाइज या कैसे समझ लो, लेकिन सच बात ये है कि आज देश बहुत आगे है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये कह रहे हैं देश बहुत आगे है, सुरक्षित घर आती है, लावारिस वस्तु बम हो सकती है, वो गायब। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं मैं फौजी हूँ, बी आर एस आया हुआ हूँ, CISF से रिटायरमेंट हूँ। आ जाइए, आपका जवाब यही देंगे। मुझे पता है आदमी जो है अभी ये बना रखे इन्होंने जो है मुद्दे बना रखे है, एक हिंदू कभी भी एक हिंदू देश का बंटवारा नहीं चाहता, और भूमिहार खास करके भूमिहार क्या देश का बंटवारा करेगा, वो तो भूमि से जुड़ा हुआ है, ये भूमिहार का भाग सकता वो तो कह रहा मैं मुस्लिम, अरे आपके पास आ मैं दलित हूँ, वो भूमिहार है, मैं उसके विचारों से सहमत हूँ, मैं भी ना तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ना बीजेपी का, ना आम आदमी का पार्टी, मैं आम आदमी हूँ, फौजी हूँ, मैं देश के हित में रहता हूँ हमेशा, लेकिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, वो मुद्दों पे बात करता है कन्हैया। देखो हमारी जमीन और जायदाद मुद्दे गायब, हमारे मुद्दे कोई मुद्दे कभी गायब नहीं होते, मुद्दे बनाए जाते हैं, अपने आप मुद्दे बना लो, लेकिन मुद्दे अब ये भी तो मुद्दा ही था, भारत 13 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब भारत के टुकड़े हो जाएंगे मेरा घर कहाँ जाएगा, वो देखिए अच्छा, इसका इसका एक सेकंड एक से इसका जवाब अगर मैं दे रहा ना, अगर प्रूफ होता तो मैं मेरा प्रूफ नहीं हुआ है सर, प्रूफ नहीं हुआ है, अगर प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है सर, लेकिन सुनिए एक सेकंड मैं जवाब दे दूं, भाई मैं जवाब दूं, एक बीजेपी के ही सांसद हैं सर, लद्दाख से बीजेपी के सांसद, उनकी पत्नी ने कहा मैं वहां मौजूद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा अगर कोई देशद्रोह होता है तो संविधान उसे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता, मैं कह रहा हूँ थिंकिंग ऐसी है, शीत होता तो वो जेल में नहीं था, जैसा के पापा जो है वो गृहमंत्री नहीं है, फिर थिंकिंग तो है, फिर वे जो है जेल में नहीं जाता यार, हम थोड़ा छोटा सा अपराध कर दो हम जेल में चले जाते हैं, वो तो बहुत बड़ा अपराध है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग का, तो वो टुकड़े गैंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे JNU में, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे वो किसने लगाए आपने देखा, ABVP के वो थे, वो NSU वाले ने नहीं लगाए, वो ABVP के कुमार जब नाम किसी का मत लीजिए, मणिपुर मांगे आजादी, किस बात की आजादी, तुझे आजादी नहीं, मुझे आजादी नहीं, आपने मणिपुर में देखा, वोट दे दिया, एक साल हो गया, एक मिनट पहले वोट दे दिया आपने, केरल मांगे आजादी, केरल में क्या हो रहा, चलिए गुजरात मांगे आजादी, किस चीज की आजादी, हाँ करने की आजादी, मुझे हाँ करने की आजादी नहीं है, मुझे ना करने की आजादी नहीं है, एक चीज शादी करने की आजादी नहीं है, एक चीज किस चीज की आजादी मांग रहे, शादी करने की आजादी, क्या मांग रहे, आपको आजादी है, क्या मांग रहे हैं, आपको आजादी है, पर आपने मणिपुर में बोलता और कुछ नहीं है, ऐसा आदमी चाहिए संसद में के लिए कांग्रेस वालों को, बेकार आदमी है, चलिए तो यहाँ थोड़ा आपने अपने जो मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी जो सोच है, अपने अपने जो बयान है उसको लेकर थोड़ी बहसबाजी हो गई है और माहौल थोड़ा गर्म हो गया, वैसे ही जैसे जैसे धूप चढ़ रही है पारा बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन हाँ सच ये है कि मतदाताओं का उत्साह भी लगातार उसी तेजी से बढ़ रहा है जैसे जैसे धूप का पारा बढ़ता जा रहा है। अब हमने आपको इस इलाके की तस्वीर दिखाई, अब बहुत जल्द अगली वीडियो में किसी और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के किसी इलाके में वहाँ के लोगों के मुद्दे, वहाँ के लोगों के रुझान आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं राहुल ठाकुर, जौहरपुरी क्षेत्र, दिल्ली, नमस्कार।